इसमें हम लोग स्कैन करके देखते हैं अभी। ये चार्जिंग टाइम हो गया, इसमें लैग टाइम इस 74 सेकंड्स के लिए दिखा रहा है। इसको बीच में भी अगर रोक सकना है तो रोक सकते हो। स्टॉप का बटन दबा देंगे हम, इसमें ये रुक जाएगा। अभी इसमें 70 रुपये बैलेंस है। दूसरे वाले कार्ड में देखते हैं हम लोग, 42 से स्टार्ट हुआ है टाइमिंग, इसका मतलब उसमें 40 रुपये बैलेंस था। और हम इसको स्टॉप कर देते हैं, बैलेंस 35 रुपये। इनके सब में इसको बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद में अब एक में बैलेंस 35 रुपये है। हम लोग चेक करते फिर से इसको स्टार्ट करके, सिर में उतना ही बैलेंस रहता है उसमें। यस, 34 से स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब हमने इसमें ईईपी रोम, इंटरनल प्रोग्रामेबल इरेजेबल, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी, मतलब इसका ईपी रोम होता है जो कि चार्ज डेटा को स्टोर करके रखता है इवन इफ़ योर पावर सप्लाई इज ऑफ। तो हमने उसका यूज़ किया गया है। देखते हैं इसमें हम लोग पूरा 0 सेकंड होने के बाद में क्या होता है। तो ये यहाँ से मोबाइल का चार्ज कर सकते हैं हम लोग। ये है USB कनेक्टर है, ये 3.7 वोल्ट बैटरी है। यहाँ पे इस बैटरी को चार्ज करना है तो यहाँ से हम लोग सप्लाई दे सकते हैं चार्ज करने के लिए। टाइम लेफ्ट, अवेलेबल बैलेंस इज 0। नाउ इट इज़ आस्किंग फॉर स्कैन। अब फिर से हम स्कैन करते हैं इसको, देखते क्या बोल रहा है। अब ये बोल रहा है रिचार्ज करो। रिचार्ज करने के लिए हमारे पास एक मास्टर कार्ड है। मैं पहले इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये रिचार्ज मोड में चला गया। उसके बाद इसको दिखाते हैं। सर ये इंक्रीमेंट है, इसको इंक्रीमेंट किया, इसमें हमने 50 रुपये डाल दिए हैं। रन कर लेते हैं। अब हम फिर से इसको स्कैन करके देखते हैं तो इसमें देखिए इसमें 50 रुपये का टॉक टाइम अगर आ गया है तो 50 रुपीज़ का है। 1 रुपीज़ पर सेकंड हो गया। बहुत महंगा है चार्जिंग, ये सस्ते में नहीं पुराएगा। लेकिन इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हम बोल सकते हैं कि डेट प्रोग्राम में हमें चेंज करना पड़ेगा इसके लिए। दैट्स इट।